हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैं लर्निफाई एडवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लर्निफाई एडवर्सिटी हिंदुस्तान में पहली बार आपके लिए एक चैनल लेकर आया है जिसमें आप BSc और MSc की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में पढ़ा जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ें और अपने नियरेस्ट दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए चैनल, ताकि हम जब तक वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स का जो स्टार्टिंग होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक मिनट, इसी थोड़ा कम कर देते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहीं पर भी हम यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने को मिलता है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं एक स्लाइड पे दिखा देता हूँ। तो आखिर में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते क्यों हैं, आखिर में इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो उसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि हमारे यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के बॉडीज़ होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्री वो शो करते हैं। उनके डिफरेंट सिमेट्री शो करने की वजह से हमको उसको कंप्लीट स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते हैं। आप पहला क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बहुत ही बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप लोग हमेशा इसका यूज़ करते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं। दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या पैराबोलाइडल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इलेप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हाइपरबोलिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रोलेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट का होता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो एक्स एक्सिस, वाई और जेड, क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं वो कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं। सेम इस तरह क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लेते हैं, आर लेते हैं, थीटा लेते हैं, फाई लेते हैं। और इसी प्रकार से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होता है, आर होता है, फाई होता है और जेड होता है। सेम इसी तरह इनमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेट लिया जाता है, इस पर भी कोऑर्डिनेट लिया जाता है। बात तो यहाँ ठीक है। अब आइए वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक तीन एक्सिस होते हैं, थ्री एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। किसी भी पॉइंट को या किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि वो थ्री डायमेंशन में होता है। अब वहाँ पर पॉइंट एक पी लेते हैं जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई और जेड होता है। ठीक है, पॉइंट पी तो स्पेस में है, लेकिन इसका डिस्टेंस किस में लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे, वाई में लेंगे और जेड में लेंगे। आइए देखते हैं एक्स वाई और जेड डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया जाता है। तो पॉइंट पी से, पॉइंट पी से देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट पी जो है यह एक्स वाई प्लेन में नहीं है, पॉइंट पी ये स्पेस में है। ठीक है ना, स्पेस यहाँ पर मान सकते हैं। इस पॉइंट पी से जेड एक्सिस में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जेड एक्सिस में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से, और ये इसको परपेंडिकुलर को हम ए मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इस लाइन पे जहाँ कट करेगा वो ए ले लेते हैं। तो ओरिजिन से ए की जो दूरी होता है वही क्या होता है, हमारा जेड डिस्प्लेसमेंट होता है, जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। अब सेम, अब देखिए पी है ना, पी का जो इमेज होगा किसमें मिलेगा, एक्स वाई में मिलेगा। पी का जो इमेज होगा किसमें मिलेगा, एक्स वाई में मिलेगा। और ये पी से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, पी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट ओ से एक्स में जो यहाँ बी ले लेते हैं, ओ से बी के जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, इसी को कहते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है एक्स होता है। ठीक है, अब पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे, पी से परपेंडिकुलर ड्राई करेंगे वाई एक्सिस पे, और इसको सी मान लेते हैं।
तो ओरिजिन से सी के जो दूरी होता है ये हमारा वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको इसमें वाई होता है। ये तो हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको कैसे डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस लिया जाता है, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस लिया जाता है, और जेड एक्सिस में क्या होता है, जेड एक्सिस में जेड डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये हम दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट वो है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा क्या है हमारा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो कोऑर्डिनेट लिया जाता है वो क्या होता है हमारा, आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है। जिस प्रकार कार्टेशियन में क्या लिए थे, एक्स वाई जेड है, सेम उसी तरह हमें क्या लेते हैं, आर लेते हैं, थीटा लेते हैं, फाई लेते हैं। तो आइए देखते हैं आर थीटा फाई को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट किए थे, उसे आर थीटा फाई को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्री डायमेंशन लेते हैं, एक्स इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई होता है, ये जेड होता है, ठीक है। इसी में हमें दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है आर थीटा फाई को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पॉइंट लिया जाता है जो कि स्पेस में होता है। तो एक पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है आपका स्पेस में, ठीक है। ये ओरिजिन है। तो पहले देखते हैं आर क्या है, आर का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लिया जाता है, आर जो एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन से पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से और पॉइंट जो लिए हैं, इमेजिनरी पॉइंट है पी से, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। इन्हीं को डिस्टेंस को क्या लेते हैं, आर लेते हैं, ये याद है। तो आइए थीटा के बारे में आते हैं, थीटा कहाँ से कंसीडर किया जाता है। तो जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और आर के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा होता है। क्या होता है, जेड एक्सिस और आर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, थीटा होता है। अब ये बताइए, ये है, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे तो किसी न किसी प्लेन में पड़ेगा ना। तो नीचे जो प्लेन है एक्स वाई है, तो आप कह सकते हैं ना इसका जो प्रोजेक्शन होगा हमारा एक्स वाई प्लेन में पड़ेगा। इसका जो प्रोजेक्शन होगा कहाँ पड़ेगा हमारा, ये एक्स वाई प्लेन है, इसका प्रोजेक्शन है, तो इसको ए मान लेते हैं, ए पॉइंट है। और प्रोजेक्शन की खासियत ये होता है कि इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, यहां से हम उसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है ओ ए, वो एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, इसी को फाई बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं जो थीटा जो एंगल बनता है वो जेड एक्सिस से बनता है और फाई जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है, ठीक है। अब आइए डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, इसको आर थीटा फाई का वैल्यू हम मेजर करते हैं। तो कैसे आर थीटा फाई को मेजर किया जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे, एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। और हमने ये हम ये जानते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कंपोनेंट का थीटा के डायरेक्शन में जब लिया जाता है वहां पे कॉस आता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको साइन में लिया जाता है। तो ये थीटा है ना, ये आर है, थीटा है, तो इसका थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा हमारा, आर कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही होगा ना। अब इस देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, अब इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो गया, आर कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, आर
साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यही तो एक्स है, सॉरी ये क्या है हमारा जेड कंपोनेंट होता है। तो अब कह सकते हैं ना जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ ए जो हमारा प्रोजेक्शन है वो क्या यहाँ पर आर साइन थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए ओ ए जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है। तो आप कह सकते हो इस कंपोनेंट का फाई एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ओ ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, वही होगा जो फाई के डायरेक्शन में होगा। तो किसी एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस लिया जाता है, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो साइन लिया जाता है। तो फाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट तो यही है ना, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ये है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका आर का सॉरी ये क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा आर साइन थीटा कॉस फाई। क्यों, क्योंकि ये फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाता है, हमेशा एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसमें कॉस आता है। जैसे यहां पर देखिए ये थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, कॉस आया है, इसका लिया गया है ना थीटा के आर का, यहाँ पर किसका लिया गया आर साइन थीटा का कंपोनेंट लिया गया है, इसमें कॉस इंक्लूड हो जाएगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस लिया गया है, यहाँ पर साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। बहुत आसान है, बस थोड़ा देखना है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक लेना होता है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा। इसी चारों इक्वेशन से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, आइए अब इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट पानी पी लेते हैं तब तक।